कि फुल्ली कलर से मैच करने के लिए इसमें लिया गया है। एक गाइस ये वाला वाइजर इंस्टॉल करेंगे और इसको करेंगे रैप, जो कि यह ब्लैक में लिया जाएगा। और आप इसको मैट ब्लैक में भी ले सकते हो, ग्लॉसी ब्लैक में भी ले सकते हो, और स्मोक गिरे तो ये है ही ऑलरेडी। इसके अलावा इसके चारों इंडिकेटर एक साथ जलाने के लिए इसमें जो है सिमटेक का हैजार्ड सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। और इसकी आप वायरिंग वगैरह दे सकते हो, ये कपलर टू कपलर फिटिंग है, इसमें कोई वायर कटिंग नहीं है, आपकी कोई इशू नहीं है, आपकी बाइक की गारंटी कोलैप्स नहीं होगी, वारंटी कोलैप्स नहीं होती। मतलब कुल मिला के ये है कि इसको इंस्टॉल करने से आपकी बाइक में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, और जब चाहो इसको आप हटा सकते हो, जब चाहो इसको लगा सकते हो। इसमें आपको 40 से 50 पैटर्न मिल जाते हैं। पैटर्न यानी कि जो इंडिकेटर होते हैं ना आपके, वो 50 तरीके के अलग अलग डिजाइन में ब्लिंक करेंगे, जलेंगे। और साथ ही में इसके साथ में अगर आप इस तरीके के ऑप्शन पर जाते हो तो आपको एक एलईडी बल्ब इंस्टॉल करने पड़ते हैं, क्योंकि हैलोजन बल्ब जो होता है ना, ये देखो ऐसी है एलईडी बल्ब, क्योंकि जो हैलोजन बल्ब होता है उसकी ना इतनी ब्राइटनेस नहीं होती, और उसकी जो ब्लिंक करने की जो टाइमिंग है ना वो होती है कम, और इसकी होती ज़्यादा। और गाइस ये जो एलईडी बल्ब थे तो ये चारों तरफ इंस्टॉल करेंगे, यानी कि चारों इंडिकेटर में। और जो गाइस बॉडी इंडिकेटर की इंस्टॉल किया था वो इस तरफ भी है और इस तरफ, यानी कि इसके दोनों पार्ट में इंस्टॉल कर दिए गए। हम कर लेते हैं फटाफट फाइनल और फिर आपको दिखाते हैं फाइनल लुक और टोटल क्या क्या एक्सेसरीज ऐड है, लगभग दिखा चुका हूँ। बाकी फाइनल में आपको दिखाऊंगा कि ऐड होने के बाद कैसा आपको जो है लुक मिलता है, कैसा व्यू आता है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, आप देखो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. तो कैसे आप देख सकते हो जो टीवीएस रेडर थी वो हो चुकी है प्रॉपर तरीके से कंप्लीट, और जो मॉडिफिकेशन थी वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, ये आप देख सकते हो। और इसमें जो हर बार की तरह कुछ ना कुछ नया हम आप लोग लाते रहते हैं, करते रहते हैं। शुरू करूंगा फ्रंट से, कहीं मजा आएगा। फ्रंट में आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा फ्रंट में यहाँ फुल्ली मेटल में एक वाइजर इंस्टॉल किया गया, जो कि MT15 का है। बट इस पर बहुत ही जबरदस्त तरीके का लुक आता है, क्योंकि ऑल ओवर जो कॉन्सेप्ट है वो है ब्लैक और रेड का, तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी ब्लैक और रेड का प्रॉपर तरीके से ये कलर्ड हुआ हुआ है, जो कि बहुत यूनिक सा है। अदरवाइज इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, काफी सारे डिजाइन मिल जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। नेक्स्ट अगर मॉडिफिकेशन आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपने देखे होंगे, आपको देखने को मिलेंगे हैंड गार्ड, जो कि कार्बन फिनिश के साथ आपको मिल जाते हैं, और ये एडजस्टेबल है, यानी कि आगे भी इसको कर सकते हो, पीछे भी कर सकते हो। और गाइस इसको ना एक हल्का सा रेड कलर का रैपिंग किया गया, और ये रैपिंग बाहर से नहीं, इसको अंदर से भी रैप किया गया है, देखो, ताकि पीछे से अगर आप देखो तो आपको एक ब्यूटीफुल वाली फीलिंग आए, आपको ये ना लगे कि काम हल्का हो गया। तो उस कंडीशन में आप देख सकते हो दोनों तरफ से यहाँ पर किया गया, इस तरफ से भी आप देख सकते हो और इस तरफ से भी आप देख सकते हो। तो वाइजर हो गए प्लस आपके हैंड गार्ड होगा, और रेस यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो हैंड ग्रिप इंस्टॉल कर रखी है, जो कि फुल्ली ब्लैक रेड में ली गई है। और इस केस में क्या है कि ये सर्दी में ठंडी नहीं होती, और गर्मी में अगर आपके हाथ में पसीना आता है ना तो उससे भी टेंशन फ्री हो जाओ, प्रॉपर तरीके से वर्क करती है गाइस। एलईडी यहाँ पर आप देख सकते हो, एलईडी बल्ब इंस्टॉल किया, अगर मैं इग्निशन ऑन करूँ, जिसके अंदर सिमटेक का हैजार्ड सिस्टम इंस्टॉल किया गया, जिसमें आपको 40 से 50 पैटर्न मिल जाते हैं। और इसकी पैटर्न चेंज करने के लिए कोई एक्स्ट्रा स्विचेस नहीं लगाया गया, अगर आप इसको लेफ्ट राइट और बीच में प्रेस करते हो तो इसका जो फ्लैशर है, जो हैजार्ड सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो जाता है, और कुछ इस तरीके का आपको लुक मिलने वाला है। अभी तक जितने भी हमने इसमें वाइजर इंस्टॉल किए थे उसमें था ब्लू और येलो, बट इसमें हमने एक आर्टिफिशियली व्हाइट कलर का बल्ब इंस्टॉल किया, जिसमें एक व्हाइट और येलो का फिनिश आपको देखने को मिल जाता है, ये देख सकते हो। अभी दिन का समय है, फोकस का इतना पता नहीं चलेगा, अदरवाइज अगर रात में आप देखोगे ना तो एक अलग ही लेवल का ऐसे फील आने वाला है, ये देख सकते हो, कुछ इस तरीके का आपको इसमें व्यू मिलने वाला है। और वहीं गाइस अगर मैं हैंडल बार पे आता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मोबाइल होल्डर, जो कि फुल्ली वाटर प्रूफ है, और इसमें एक मैगनेट आती है, वो मैगनेट आपके फोन पर लग जाती है, और जब आप इसमें फोन रखते हो तो ये फोन हो जाता है अटैच, जो कि चिपक जाता है, ये देख सकते हो। और इसके अंदर साथ ही में इंस्टॉल किया है सेंटर लॉकिंग, जिससे आप एक बटन प्रेस करके जो है अपनी बाइक को स्टार्ट कर सकते हो। काफ़ी सारी वीडियो मैंने आपको दिखाया था ऑलरेडी, इसमें आप लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, और यहाँ से एक की भी मिल जाती है आपको, इसको अगर आप बनवा लो आप तो उसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो जो बॉडी इंडिकेटर इंस्टॉल किया गया है, जो अगर मैं इंडिकेटर देता हूँ तो ये रनिंग में
जलता है, ये कुछ इस तरीके का इसमें व्यू मिल रहा है। और ये दोनों साइड से है, अगर इस साइड का इंडिकेटर देते हैं तो ये देख सकते हो जो कि बहुत जबरदस्त है। अब बात कर लेते हो इसकी सीट की, सीट का जो कॉम्बिनेशन लिया गया वो भी ब्लैक और रेड के साथ लिया गया है और बहुत ही यूनिक से गाइस, ये देख सकते हो आप। इसके अलावा जो टायर हैगर है वो आप देख सकते हो, ये फुल्ली आयरन की रॉड के साथ यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है जिसमें आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, ये देखो। इसके अलावा गाइस को क्या है, फुल बॉडी लेमिनेशन, और जो लेमिनेशन की गई है वो की गई है 3 लेयर, क्योंकि 3 लेयर का फायदा ये होता है कि जब लेमिनेशन करते हैं तो उसमें करते समय काफी स्क्रैच आ जाते हैं, और जो इसका लास्ट वाला लेयर होता है जब उसको हटाते हैं ना तो कुछ इस तरीके का इसमें लुक आता है जो आप देख सकते हो। इतनी न्यू बाइक आपकी शोरूम में नहीं लगती जितनी लेमिनेशन कराने के बाद कर लगती है। लेमिनेशन में ये वाला पार्ट भी लिया गया है, ये वाला पार्ट भी लिया गया है। अदरवाइज ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसके टैंक को लेमिनेशन करने के बाद कह देते हैं कि फुल लेमिनेशन हो गया, बट इस केस में प्रॉपर किया गया है, यहाँ पर भी लेमिनेशन की गई है। ये देखते हो आप, और लेमिनेशन का जो गाइस मेनली यूज होता है वो होता है कि ये फुल्ली होती है वाटर प्रूफ, प्लस छोटे मोटे स्क्रैचेस जो होते हैं वो पता नहीं चलते गाइस। तो मॉडिफिकेशन थी वो तो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, ये आप देख सकते हो, सारी चीजें मैंने आपको बता दी गाइस। इसके अलावा बहुत सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएंगी जिसमें हमने टीवीएस रेडर की काफी सारी मॉडिफिकेशन डाल रखी हैं। एक छोटा सा हम ट्रायल लेते हैं चला के, इस तरीके की मॉडिफिकेशन आप करते हो और जब उस पर बैठते हो तो कैसा आपको लुक मिलता है, मैं दूर से दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हो। तो सर चक्कर मार के दिखाते हैं आपको ट्रायल, जिससे पता चले आपको कि अगर इस तरीके की मॉडिफिकेशन आप कराते हो फिर बैठते हो बाइक पर तो कैसा आपको जो है लुक मिलने वाला है। तो गाइस आप देख सकते हो, तो ये तो कुछ मॉडिफिकेशन टीवीएस रेडर की, कुछ रह गया तो कमेंट करके पूछ लेना गाइस। ये तो कुछ मॉडिफिकेशन और एक्सेसरीज TVS Raider 125 की, आई होप आपको पसंद आएगी। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। काफी सारे लोग हमारे चैनल को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं गाइस, सब्सक्राइब करोगे तो ही मुझे पता चलेगा। सब्सक्राइब कर लेते हो ये बिल्कुल फ्री होता है गाइस, और मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी और मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया करता रहूंगा। तो मैं आपसे लेता हूं विदा, मैं आपसे मिलता हूं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, जब तक के लिए टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है शॉप पर आने के लिए कि शॉप पर कैसे आए, एड्रेस क्या है, तो मैं आज आपको दिखाऊंगा एक थोड़ा सा लैंडमार्क जहां पर आने के बाद आप इजीली शॉप पर आ सकते हो। तो मैं आपको शुरू करता हूं दिखाना, अदरवाइज़ आप देख सकते हो मेरे पीछे लगा है बोर्ड बट मैं आपको दिखाता हूं डिटेल में। गाइस देखो ये है मेन रोड,